नमस्कार, आप सबका स्वागत है। इंडिया श्रीलंका के बीच होने वाली वनडे सीरीज का पहला मैच 10 दिसंबर को इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में खेला जाएगा। गुरुवार को दोनों टीम कांगड़ा एयरपोर्ट से कड़े सुरक्षा प्रबंधों के साथ विशेष बसों से सीधे धर्मशाला स्थित HPCA के पेवेलियन होटल में ले जाया गया। होटल में पहुँचते ही टीमों के खिलाड़ियों ने आराम किया, जबकि MS धोनी ने धर्मशाला स्टेडियम में नेट प्रैक्टिस कर पसीना बहाया। वहीं दूसरी तरफ देर रात कप्तान रोहित शर्मा पत्नी रितिका और टीम के अन्य खिलाड़ियों के साथ डिनर के लिए पहुंचे। जानकारी के मुताबिक टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने कचहरी अड्डा के फूड प्लाजा में डिनर किया। उन्होंने वहां पर कांगड़ी धाम डिश का आनंद उठाया। इस डिश में चावल और चने की दाल सहित कई चीजें शामिल होती हैं। हाल ही में शादी के बंधन में बंधने वाले क्रिकेटर भुवनेश्वर कुमार अपनी पत्नी नूपुर के साथ धर्मशाला पहुंचे। वहीं टीम मैनेजमेंट के मुताबिक दोनों टीमों के खिलाड़ी शुक्रवार और शनिवार को दो सेशन में प्रैक्टिस करेंगे। यह डे नाइट मैच है, लेकिन ओस पड़ने के कारण मैच का समय बदल दिया गया है। मैच सुबह 11:30 बजे शुरू होगा। हालांकि ओस पड़ने के समय तक 80% मैच खेला जा चुका होता है, इसलिए ओस का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इंटरनेशनल वनडे क्रिकेट मैच के लिए धर्मशाला तथा आसपास के क्षेत्रों के लिए विशेष ट्रैफिक प्लान निर्धारित किया गया है। DCCP वर्मा ने नए ट्रैफिक प्लान के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। प्लान के अनुसार मैच के दिन कांगड़ा बागली रोड गगल से आने वाले वाहनों को चतुर्शीला दाड़ी से धर्मशाला की ओर भेजा डाइवर्ट किया गया है। कचहरी बस ठहराव से डिग्री कॉलेज वाया KCC बैंक और जिला परिषद कार्यालय से होम गार्डस कार्यालय तक यातायात को कांगड़ा की तरफ वन वे किया गया है। इसके अतिरिक्त पुलिस लाइन से शिक्षा बोर्ड के सड़क मार्ग को केवल बाहर जाने वाले वाहनों के लिए रखा गया है।